नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आमना। रामपुर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आ रही है। रामपुर के मीलक थाना क्षेत्र में बाइक से दवा लेने जा रहे पति पत्नी का रास्ता रोक लिया गया और उनसे मारपीट की गई, साथ ही महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वहीं उसके पति के साथ की गई मारपीट का वीडियो भी बनाया, जिसको बाद में सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 4 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामला मीलक थाना क्षेत्र का है। पीड़िता के अनुसार 11 जून को वह अपने पति के साथ दवा लेने जा रही थी। कुछ लोगों ने रास्ते में उन्हें रोककर उनके साथ बदसलूकी की, दोनों पति पत्नी के साथ मारपीट की और उसका वीडियो भी बनाया। वहीं पीड़िता के साथ 4 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म भी किया। सर, दवा लेने जा रही थी शौहर के साथ, उन्होंने उतार के हमारी बेइज्जती करी, उन्होंने बेइज्जती करके फिर काका हमारी पिटाई लगाई थी। फिर पिटाई लगाने के बाद फिर काका बोले कि मुझे चाहिए, मैं इन्हें छोड़ दी है। छोड़ के फिर काका में उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाई, वीडियो बना के फिर उन्होंने नेट पर डाली। फिर हाफ जी के मोबाइल पर आई थी वो, उन्होंने वीडियो बना के तब फिर मैंने फिर काका में थाने में। तो वीडियो उन्होंने काय की बनाई थी? वीडियो इसकी बनाई थी। किसकी? कामों। आपके साथ क्या किया? आपके साथ बेइज्जती करी हमारी, और क्या किया। कितने लोग थे? 4 लोग थे। तो पिटाई भी करी आपकी? हाँ, पिटाई भी करी। तो पिटाई का वीडियो बनाया उन्होंने? हाँ, वीडियो बनाया। तो क्यों करा ऐसा उन्होंने? क्या पता क्यों करा है, वो तो ये कह रहे थे कि तू हिंदू के संग में जा रही है। अच्छा। तो मैं इनकी देख लो, मुसलमान ही मेरा शौहर। कितने लोग थे? 4 लोग थे। तो पुलिस में गई तो क्या हुआ? फिर पुलिस को मैंने वो कराया, दाखला कराया उन्होंने, फिर मैंने कहा, रपट लिखवाई मैंने उनके नाम, उन्हें पकड़वाना मुझे समझ लो। तो आपके साथ गलत काम भी करा? हाँ, कहीं भी मिले वो, अगर दिल्ली मिले तो या कहीं भी मिले, मुझे पकड़वाना मुझे। आपके साथ गलत काम किया उन्होंने? हाँ, गलत भी काम किया। कितने लोगों ने किया? 4 लोग थे। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा ने बताया, मीलक थाना क्षेत्र में एक मामला दर्ज किया गया। ये घटना 11 जून की है, जिसकी सूचना कल 15 जून की शाम को दी गई। इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें एक महिला अपने परिचित के साथ मीरपुर से वापस आ रही थी, तो रास्ते में रोककर 4 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अभद्रता और दुष्कर्म किया गया। थाना मीलक क्षेत्र में एक जो इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, ये घटना 11 जून 2019 की है, जिसकी सूचना कल यानी कि 15 जून 2019 की शाम को दी गई, जिसमें इमीडिएटली कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई। इसमें सूचना दी गई कि एक महिला अपने एक परिचित के साथ में जब मीरपुर से वापस आ रही थी, तो रास्ते में रोक करके 4 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनके साथ में अभद्रता और दुष्कर्म किया गया है, और इसी के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है, और 4 में से 3 लोगों की शिनाख्त कर ली गई है। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जो पीड़ित महिला है उनका मेडिकल करवाया जा रहा है। जो एक वीडियो आया है सामने, जो पीड़ित पक्ष के द्वारा दिखाया गया है, उसमें कुछ लड़कों के द्वारा महिला व उनके जो परिचित साथी हैं उनके साथ में बदतमीजी और गालीगलौज किया जा रहा है। फिलहाल मामले की तफ्तीश की जा रही है और जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 4 टीमों का गठन जनपद स्तर पर इनकी गिरफ्तारी के लिए किया गया है और बहुत जल्द ही इनकी गिरफ्तारी करा ली जाएगी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।